हेलो जी, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग ऑफ दिस ब्यूटीफुल डे। तो यार कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। हेलो जी, वेलकम बैक, आप सबका वेलकम करते हैं डगी स्टाइल। और ये जबरदस्त जिंदाबाद, कैसे हैं आप सब। ये शपैक गैंग RHS वाले जो स्टाइल है वो आपका बाइक पिक करने की और स्लैंग बनाने की, एक स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। यार लाहौर वाली साइड से तो बारिश हो रही थी, लेकिन उधर अच्छा मौसम है, इधर भी बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन यार इधर कुछ पानी की बूंदे जो के बारिश की बूंदे जो तेरे पलकों में गिरी तो मैं दीवाना हो गया, दिमाग चलना शुरू। आह आह आह, वाह मजा आ गया। तो अभी जो है 15-20 मिनट रहते हैं अफतारी में, तो मैं छत पे आया था, मौसम काफी अच्छा एक बना हुआ है, ठीक है। ठंडी ठंडी हवा, ठंडक फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दी वापस आ गई, लेकिन ऐसा आपने समझना नहीं है, क्योंकि आप अगर विलेज लाइफ और अगर आप सिटी लाइफ को कंपेयर करोगे तो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप यही जो चीजें हैं ना, अगर आप सिटी लाइफ में देखो तो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू विलेज लाइफ में, ठीक है भाई। इधर ये माशाल्लाह खुले खुले और ग्रीनिश ये खेत होते हैं, ठीक है। तो जहां पर खेत होते हैं वहां पर आपको पता है कि ये वाली चीजें जो होती है ना, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, ठीक है, और पोल्यूशन बहुत कम होती है, ठीक है। इन चीजों की होने की वजह से और दरख्त वगैरह हमारे देहातों में बहुत एक रेयर किस्म की चीज है, जो कि आपको शहर में बहुत बहुत ना होंदे बराबर, यार बहुत की होंदा है। ये देख रहे हैं, ये सामने दरख्त लगा हुआ है, ये आप दूर दूर तक देख ले, दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं, हरियाली ही हरियाली है। तो ये सामने से एक ही रोड गुजर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका कितना ही हमें जो है नुकसान हो सकता है। तो ये देखें जी, इन चीजों के बहुत ज्यादा बेनिफिट है जो कि आपको शहरों में नहीं मिलते लेकिन देहात में मिलते हैं। तो जब देहात में, या पहले जब मैं अपने कैंपस जाता था, इधर हमारे धुंध बहुत होती थी, बहुत ज्यादा धुंध होती थी, मेन रोड या शहर में इंटर होते थे वहां धुंध नहीं होती थी, क्योंकि उधर गाड़ियां चलती हैं, उधर पोल्यूशन है, इधर एक फ्रेश एनवायरमेंट, एक प्योरिफाइड एनवायरनमेंट मिलता है, जो कि आपको लाहौर और पार्कर साइड एरिया में नहीं मिलता। और अभी अफतारी का टाइम होने वाला है और मुझे इजाजत दे ताकि जो कि हाँ अपनी अफतारी का इंतजाम कर सकूं, दुआ कर सकूं कि अल्लाह ताला मेरे चैनल है जिसमें मैं मेहनत कर रहा हूं उसमें अपनी जो है बरकत अता फरमाए। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। हमारा सैटरडे और संडे है, तो दो दिन आराम से हमारे गुजरेंगे, अभी तक हमें छुट्टियाँ नहीं हुई, जिसका जो है अब क्या कहें यार, आपने कॉलेज जाना होता है, पता लग जाता है यार रोज़ा रख के कॉलेज जाना, फिर लोकल ट्रांसपोर्ट देना, फिर जाना भी लोकल, तो भाई यार बड़ी खजल खुआरी है। तुसी अपना दसो यार, तुहानू कोई छुट्टियां छुट्टियां हुई हैं या नहीं है, अगर नहीं हुई तब भी बताएं, अगर हुई हैं तो तब भी बताएं, ताकि जो है हमें भी पता हो गया यार हमारे भाइयों के साथ भी जुल्म हो रहा है, कि हम अकेलों के साथ जुल्म हो रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मैं भी छत पे आया था और मैं अपने बिजनेस इंट्रो बना रहा था। अब बिजनेस इंट्रो से मुराद क्या है, ठीक है। देखिए मेरा एक और चैनल है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आपको भैया आपको पता है बिजनेस मैन बनेगा इंशाल्लाह। तो अगर आप उस चैनल को विजिट करना चाह रहे हो या मेरे साथ एज अ बिजनेस टीम में जो है हमारे साथ ऐड होना चाह रहे हो या हमारी टीम से, या आपको कोई बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कोई क्यूरीज है या कोई इश्यूज है, तो आप मुझे जो है उस चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर डायरेक्ट करके मेरे साथ आके जो है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। हेलो जी, थोड़ा प्रा छाते आगे खलो गया है, क्योंकि जो मस्जिद है वो अंदर है, ठीक है, तो मतलब काफी दूर एक मसाफत पे बन जाती है, तो उसके लिए हमें छत पे आना पड़ता है, तो आवाज सुनने के लिए, ठीक है। तो अभी हम छत पे हैं और मस्जिद का अगर मैं आपको रुख दिखाऊं, ये रुख है मस्जिद का, और दूर दराज वो गांव के अंदर वाली साइड पे मस्जिद है। और ये मैंने जो है रोजे के इंतजाम पहले इधर आके छत पे कर लिया, ताकि जो है मुझे इजी हो जाए। मैं वैसे ही ना फॉर्मल कभी नहीं होया, मतलब कि प्लेट शेट ट्रे या चिपस चुपस, ये तो बस वीडियो वास्ते शशका, तुहानू पता वखाना ही होंदा है, फिर यार फॉर्मल तुहानू पता है फिर होना ही पैंदा है, जो चीज़ फॉर्मल नहीं होंदी तो फिर कीड़ियां निकलदियां, जो कीड़ियां निकलदियां तो फिर नुकश होंदे ने। इस वास्ते तुहाडे भरा ने कोई शरबत शुरबत अज रखिया, वैसे बस सादा पानी पीवी दा, पकौड़े रखे ने, नाल खजूरां रखियां ने, नाल उंगल वाली चिप्स, ये बेसिकली फिंगर चिप्स से कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन यार सादा ये को जैसा की है कि जिंदे इनू फिंगर दे नाम दे तो प्रोनाउंस कर दे जी, ये देखो फिंगर चिप्स, सो दिस इज पकौड़ा, खजूर खजूर नॉट खजूर खजूर, दिस इज समथिंग, सो दिस इज अल्लाह शरबत शरबत। देखो जी, तुम यह नहीं कहना कि थोड़ा अज इवें व्लॉग की खातर पठान बनया हुआ, वैसे शुगल मेला ला रहे हैं थोड़ा बहुत, यार लाइफ से शुगल मेला भी होना चाहिए, कोई एंटरटेनिंग अपने आप से ऐसा कोई पर्पज़ बनाओ, ताकि तू ही थोड़ा क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बंदा शुगल लाता रहे तो एक डिफरेंट चीज़ तुम्हें लगती है। इन शॉर्ट तुम्हें यह मैं दसना कि बंदा एक ही तरह रवे ना तो बंदा बोर हो जाता है, लेकिन अगर बंदा डिफरेंट टाइप का या कुछ ऐसा चीज़ें करने की कोशिश करे जो कि उन्हें करनी नहीं चाहिए लेकिन करनी चाहिए ने, मतलब कि कुछ होंगे ना कुछ इस टाइप का, मैं बंदा मैं कहा यार मैं खच्चे जब्बा नहीं मारनिया, लेकिन फिर भी अगर मैं मारना मैंने अच्छी लगदिया भी हैं, इनका मतलब यह है कि मैंने वो चीज़ करनी चाहिए जिन्हें मैं मैनू अच्छा लग रहा, जिन्होंने मैं करन थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा, तो दैट्स वट आई थाट, वट यू थाट,
कमेंट सेक्शन में दसो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे। और ये भी बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये देखें। और मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ तो नीचे जाना पड़ेगा या फिर अपना कोई इंतजाम और करना पड़ेगा। कोई छतरी मेरे को नहीं है, तो जिन्ना मैं बोलना पे अजान होनी चाहिए थी और मुझे दुआ करने दे। अजान के लिए मैंने अभी दुआ नहीं की सब, तो वैसे ए बुरी गल है व्लॉग बनाना पे दुआ नहीं करा, तो अभी दुआ करते चले। देखो जी चंगे मारे दिन लंघ जाते हैं लेकिन पानी ची आप जरा है बारिश नहीं पैंती नहीं। आप जरा ट्रे आप रख लेने उत्ते, ए काम हो गया इस तरह, तो हूं आप कर लेने हाँ दुआ। रोजेदारो रोजा अफ्तार कर लो, टाइम हो गया जे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करने तो पे भाई और किवें करिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना कभी भी ना भूलिएगा। ये अगर आप कुछ खा रहे हैं, अगर आपके पास कुछ है या कुछ आपने पहना हुआ है, या अगर आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं जो कि एक नॉर्मल बंदे को नहीं मिल रही, तो उसके कंपैरिजन में आपको अगर अदा करना चाहिए कि आपको वो सारी चीजें मिली हैं। तो हूँ तो मेरा पुत्र छुट्टी करो, मैनू खान दो ना उंगल चिप्स पकौड़े या खजूर पानी पर पी लिया। मिलते हैं इंशाल्लाह कल या मे बी परसों या मे बी कभी मिले ही ना हम, ठीक है? तो मेरा पुत्र छुट्टी। ये जुनेद मेरे साथ बना रहे हैं, ये देखें। और अभी बाहर भाई बारिश, ये देखें गीला सारा सीन। आना बशर पुत्र मजा आ गया। एक सन्नी वधू। अच्छा जी अज मैं टाइम ना उठ गया, हल्द भी मेरे वाल आखिरी दिन वेख रहे जी, तो चाचू साबर बार आए आप है कटिंग करवा लग गया। नहीं तो भाई मैं उठना होंगे तकरीबन कोई एक दो भी उठना सी, चूंकि वह आ गए तो मैं चलो लवा लेना, क्योंकि आपको पता है फिर ब्लॉगिंग करनी होती है और भी यू नो छोटे छोटे बिजनेस हैं बाइक के, तो शूट करना होता है, तो ये फिर नई चीज़ सही रहती। तो आज कटवाने जा रहा हूँ, देखते हैं कि कैसा हेयर कट होता है मेरा, तो मुझे भी नहीं पता कैसा होगा, लेकिन आपके सामने ही है जैसा भी हो। सो हेलो हाय हाउ आर यू। अच्छा अच्छा सावर है ज़रा, तो ये हम आ गए हैं चाचू साहब से कटिंग करवाने के लिए। ये मैंने अपना ट्राइपॉड स्टैंड लिया लेके आया, मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम लैप्स बना लेते हैं, क्योंकि बूझ जैसे बाल है, तो जब ये कटेंगे और उसके बाद आफ्टर और बिफोर कैसा लगता है आपको भी पता होना चाहिए। ये हम इस काई के आसपास ही जो है रखेंगे, अपना ट्राइपॉड स्टैंड कहीं एडजस्ट करेंगे या उधर लगा देंगे, ठीक है? ये मैंने चाचू सावर को पहले बता दिया कि जो है कटिंग इस तरह से करनी है, तो अब इसको जो है पहले हम एडजस्ट करेंगे। खाल के अंदर आ रहा है खाई के, इन्हों पहले करने पता है ज़रूरी चीज़ है, बंदा रोटी के बगैर रह सकता लेकिन वीडियो के बगैर नहीं रह सकता, समझते बिना मेरी गल। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? तो ये इस साइड पे हो गया, ठीक है हम इस साइड पे रखते हैं क्योंकि हमने करना है वो वाला एंगल कैप्चर। तो ये हम इधर कर रहे हैं अपना मोबाइल का स्टैंड एडजस्ट, और ये लग चुका है। अब अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा अभी मेरा स्टाइल कैसा और बाद में कैसा होने वाला है। तो हम ए टू जी जो हैं अपना करवाएंगे, हम अपना स्टाइल चेंज, स्टाइल नहीं है बेसिकली कटिंग ही करवानी है, स्टाइल वगैरह। अगर आप लोगों को पता हो कैसे अच्छे लगते हैं सूटेबल, तो भाई को बता दीजिएगा, क्योंकि भाई आपका स्टाइलिश बिल्कुल भी नहीं। जो मोबाइल है वो मक्की के खेत में हमने रख दिया है, ताकि जो पीछे से एंगल प्रॉपर है, और 2x पे बनाएंगे, 1x पे उस तरह से नहीं बन रही जिस तरह से मैं बनाना चाह रहा हूँ। और जब आप भी ट्राई करें, अगर आपके पास आईफोन है तो 2x पे कोशिश करें, जो कि होती है टेलीस्कोपिक जो लेंस से हम कैप्चर करते हैं, वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट और ज़्यादा बेहतर होती है। तो हुंदे मेरा पुत्र छुट्टी करते आप जा वाल लवा लिए।
तो ये कटिंग करवा ली है, मतलब के लवा लेने वाल, ठीक है। ये चाचू सावर वाले हूं मैं, वीडियो दिखाई जरा टाइम लैप्स में। चाचू सावर की कहना तुम्हारा उनके बारे? रख दे नारा तेरे मुंह ते। वाल सही कटे करने वाला, वाल सही बन गई, बोधी तेज तो नहीं सी, इस तो मैं बोधी तेज करनी वैसे तो क्या नाचो मैं तो कर ला तेज। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ तो चाचू सावर दा वेरी वेरी थैंक यू। हाँ ये कर लो पहले। ए बस चाचू सावर ना साडी प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा, जिंदी वजह फिर वाल तुहानू पता इना कोई लवाई दे, नहीं तो है 50-100-150 लवा के शहरों भी लवा सकने। एवं चाचू सावर प्यार मोहब्बत अपनी बाबा मेरे ख्याल गुड़ी है। ते बहुत बहुत थैंक यू। चीन हले तक अपनी बंद नहीं हुई है भाई, अपने जेरे जुंडे सारे जुंडे बेसिकली कही दा वालां नूं पंजाबी च ना जुंडे वालां नूं कही दा। यह अपना ट्राईफोर्ड स्टैंड है, पिछे माशाल्लाह मौसम भी काफी अज प्यारा बनया है, ठीक है। धुप आ जांदी है, कदी बदल आ जांदे ने, हवा चल रही है, माशाल्लाह रमजान ना चाचू साहब बहुत माशाल्लाह अच्छा गुजरिया। ये देखिए जी, आपके भाई ने कटिंग शेडिंग करवा ली है और फाइनली मैंने अपना हेयर कट बहुत छोटा करवा लिया और ओवरऑल मैंने अपने बियर्ड भी बहुत छोटी करवा ली। आई एम लाइक बग बॉय नाउ। So what do you think about it? I'm a burger or not? तेरी कुछ देर की खामोशी के बाद कुछ इस तरह का रंग निखार के और इस तरह का कोई चेहरा निखर के बाहर आया। छोटा हेयर कट करवा लिया है, बियर्ड सेट करवा ली है, मुछा छुछा सेट करवा लिया ने, ठीक है। और बाकी तो फाइनली मुंह वही है जो पहले था। और ये देखें, जब मैंने कटिंग करवानी होती है मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, या मेरा जवाब होता है हाँ या ना, या मेरा ये होता है कि यार अगर एक महीने बाद भी कोई चीज़ करवानी तो उसे एक महीने पहले करवा लो, ठीक है। अपनी सोच को इतना लंबा एक्सटेंड नहीं मैं करता, अगर कोई काम करना है तो मैं फ़ौरन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर नहीं करना तो फिर वो पहले जितना मर्जी लमकदा रहे, ठीक है। और कटिंग करवाते हुए मैंने कभी इस चीज़ का नहीं देखा कि यार अगर मैं इस तरह की कटिंग करवाऊंगा या गाँव से करवाऊंगा या कभी शहर से करवाऊंगा तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। 100 लोग होगा तो 101 बातें होगी, 100 बंदा है तो 101 गल्लां होंगी। मतलब ये कि लोगों का काम है कि कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट देना, अच्छा बुरा व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आपको वो करना चाहिए जो कि आपको सूटेबल है, जो आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर है। आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि इन चीजों पे। यार ए, मैं करात लांगा, लेकिन वो की सोचेगा यार मैं करात लांगा, मेरे बेली मेनू की कह दे यार मैं करात लांगा, कुड़िया मेनू यार आए स्कैन यार तो सोना नहीं लगता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लेकर ज्यादा अपने आप पे सर पे सवार रहोगे तो मेरा ख्याल है डेट्स लाइक नॉट गुड थिंग। सो वॉज द गुड थिंग इज़, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पहले ज़्यादा बेहतर अट्रैक्टिव लग रहा था मेरे पे, वो सूटेबल कर रहा था मेरा स्टाइल हेयर, या ये ज़्यादा हेयर स्टाइल मेरे पे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो कमेंट सेक्शन में राय का लाजमी ज़ाहर कीजिएगा ताकि आपके भाई को पता चले कि आपका भाई किस काइंड के जो है कैटेगरी हेयर स्टाइल में जो है फॉलो करता है। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर लाजमी कर लेना। थैंक यू। पहले मैंने फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड की थी, अभी बैक कैमरे से चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी ज़्यादा एनहांस है। आप लोगों के भी सामने आपको भी आइडिया हो जाएगा जब आप व्लॉगिंग स्टार्ट करोगे फ्रंट का क्या रिजल्ट आता है और बैक का क्या रिजल्ट आता है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमो आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पुत्र हूँ छुट्टी, इसके बारे में मेरा क्या लिखा। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब नॉट सब्सक्राइब सब्सक्राइब व्हाट सब्सक्राइब सब्सक्राइब पता नहीं क्या बोल रही हो। माशाल्लाह मौसम काफी खूबसूरत बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि आज बारिश होने के चांस बहुत ज्यादा है। अब देखिए सुबह से ना इस तरह का ही मौसम है, धूप निकली है इतनी कम निकली है, इतनी कम निकली है जितनी के निकल सकती थी, फिर भी धूप और कितनी कम निकल सकती थी, गल तो इतने आके मुक दी है ना। अगर ब्लैक बादल होते तो जरूर बारिश था, अगर अभी तो मौसम ठीक है, अभी ब्लैक ब्लैक बादल नहीं है, अभी तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी है, खड़ा नहीं 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 नहीं। जल्दी कर।